टीवी इतिहास में नया प्रयोग, स्टूडियो ऑफ, घर से बुलेटिन लाइव। हम पीएम मोदी की अपील के साथ हैं, इसलिए हर एंकर घर से बताएंगे खबर। जो कभी नहीं हुआ वो आज देखिए। ये जनता कर्फ्यू नहीं, केयर फॉर यू है। के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इससे पहले सोमवार शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया। नेता चुने जाने के बाद शिवराज ने कहा कि मैं ईमानदारी से मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम करूंगा, लेकिन अभी कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना उनका उद्देश्य है। हम सबकी ये स्वाभाविक इच्छा होती है कि शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के बाद मिले मैं वरिष्ठों को प्रणाम करूं, लेकिन आज एक अलग स्थिति है। मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं, परंतु आज के परिदृश्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हाथ मिलाना और पुष्पगुच्छ स्वीकार करना उचित नहीं होगा। मैं आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आपकी भावना के फूल मेरा उत्साह बढ़ाते हैं और मुझे ऊर्जा भरते हैं। हमारे प्रदेश में भी कोरोना वायरस रोकने दस्तक दी है, परंतु हम सब उस पर मिलकर विजय पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आप सब ने जनता कर्फ्यू को सफल बनाया है। यह बड़ा कदम है जो हमें कोरोना वायरस के संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने में मददगार सिद्ध होगा। हमारा दायित्व है कि हम अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एबीएन न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पाएं अपने क्षेत्र की लेटेस्ट न्यूज सिर्फ एबीएन न्यूज 24।